हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे, आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और आज फिर शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ दिन की। तो क्या बोले, आज बहुत ही सनी डे है, बहुत ही ज़्यादा धूप आया हुआ है आज। पता नहीं दोपहर होते होते क्या हाल होगा, अभी सुबह में ही इतना मतलब धूप है। धूप मतलब दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे धूप है, देख रहे बाहर अपार्टमेंट सब एकदम पूरा धूप से जगमग कर रहा है, इतना ज़्यादा धूप है अभी से। बेंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया, पहले ऐसा तो नहीं था जब शुरू शुरू में यहाँ आए थे तो। अभी के टाइम क्या, पूरा 12 महीने यहाँ के लोग स्वेटर पहनता था और अभी तो फुल ड्राई सिटी हो गया। ड्राई सिटी, ग्रीन सिटी से ड्राई सिटी। इधर मेरी छानो क्या कर रही है, आयुष बदमाशी कर रहा है, देखिए इधर सानू चिक्कू खा रही। फ्रेंड्स, उस दिन रिसोर्ट से लेके आए थे, वही चिक्कू सब अभी खाती है। यही चिक्कू खा रही, क्या है ये, फोक, फोक से वो चिक्कू खाती है। खाइए, कैसे खा रहे हो दिखाइए मुझे। पापा से खा रही है, बहुत बदमाशी करती है फ्रेंड्स, बहुत। आजकल तो कुछ ज्यादा नटी हो गई है ये। मम्मा को ना देंगी, आगे गोदी में चिपक गई। मम्मा को नहीं दी चिक्कू, अकेले अकेले खा रही। फ्रेंड्स, मुझे चिक्कू का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब टाइप का स्मेल आता है। बहुत ही मीठा है, मैंने हल्का सा टेस्ट, रुचि नहीं जैसा मीठा है, लेकिन मुझे चिक्कू नहीं पसंद। नहीं, बाय बाय नहीं, अभी बाय बाय नहीं करने का। अभी मम्मा शुरू कर रही है ब्लॉग, बाय बाय कर रही है। कल मुंह फुला के रखी थी, कल जब बाय करने बोली तो नहीं कर रही थी, और अभी बाय बाय कर रही है। कौन बोला आपको बाय करने, मम्मी बाय कर रही है। टिकलो टिकलो टिंग टिंग। चलिए आज भी ऑनियन का रस लगा देंगे इसका, अभी 2-3 दिन से ऑनियन का रस लगा रहे हैं बालों में। आई होप देख रही है ये सब, ये टिकली टिकली इधर बाली नहीं है, एकदम टिकलू टिकलू है। मेरा बाल जो है वो हाफ करली है, अभी कॉम नहीं किए, बाल धोने के बाद इस तरह करली करली मेरा हाल है, थोड़ा सेमी करली है। और इस तरह का इसका भी, और इसका है मेरे मिस्टर जैसा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट वाल बाल है इसका, इसीलिए कम है शायद, है ना सानू। तो अभी बहुत काम है फ्रेंड्स, कपड़ा पसारना है, खाना बनाना है, इसको स्कूल के लिए रेडी करना है। हाँ, शुरू करते हैं काम करना। फिलहाल तो पहले कपड़ा पसारती हूँ। तो वॉशिंग मशीन बंद पड़ा हुआ है, तब से पसार लेती हूँ। बस मेरा कपड़ा पसारना हो गया, लेकिन अभी तक सानू का चिक्कू खाना नहीं हुआ, एक फिनिश की और खा रही है। सानू कितना खाओगे आप, दूध नहीं पीना है। देख टॉयज मैंने फ्रेंड्स देखा इधर सारा नीचे उतार के रखा कि आप उसके साथ खेलिए, लेकिन नहीं, उसको क्लिप खेलना, क्लिप के साथ बहुत बदमाश हो गई है। तब चलते किचन में, बहुत सारा काम है फ्रेंड्स। फाइनली आज स्कूल चला गया, सानू को उधर टॉयज दे के आई, वो नहीं खेलना, क्लिप के साथ खेलना, जो भी करे खेलो अपना। इधर आएगी तो बहुत बदमाशी करती है, खाना वाना बनाने नहीं देगी, फिर अभी खोलना और बंद करने बोलेगी। सी क्या हुआ, ओपन कर दो इसको, चिपटो ब्लू कलर की। एक्चुअली वो ये वाला पैकेजिंग वाला क्लिप है, तो इसको अभी बार बार ओपन, एक ही बार मम्मा करेगी, उसके बाद मम्मा काम करेगी, समझे। हाँ, ये तो ओपन कर दूंगी, फिर क्लोज करेगी, फिर आएगी, फिर बोलेगी ओपन कर दीजिए, ये पे चलते रहता है। तो खैर खाना फटाफट बनाऊंगी, आज बनाने वाली, एक्चुअली सोच रहा आप लोग के साथ एक बंगाली डिश शेयर करूं, जो कि बहुत ही फेमस है हम लोग बंगाली लोगों का, तो बहुत तो बंगाली लोगों का हम लोग पोस्त, तो ये डिश एक्चुअली बंगाली लोगों का बहुत ही फेवरेट होता है, पोस्तू एक्चुअली, जिसको पॉपी सीड बोलते हैं। तो मैं पोस्तो को आज पालक के साथ बनाऊंगी। ऐसे तो पालक का बहुत सारी रेसिपी होती है, पालक पनीर, मैं एक्चुअली पालक पनीर ही बनाने वाली थी, बट पनीर है नहीं और पालक भी कल लाए तो आज ऐसे भी डल हो चुका है, तो और उसको और एक दिन
रख नहीं सकती हूँ, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा, फ्रिज में रहेगा लेकिन वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जितना फ्रेश होता उतना अच्छा था। सी फिर से आ गए मेरी सानू। अरे माँ मम्मा ओपन कितना बार करेगा, आप तो कर रहे थे ना, वो अपने भी कर लेते फिर भी मुझे करवाना है उसको। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, पालक पोस्तो आलू के साथ एक्चुअली बनाऊंगे, आलू पालक और पोस्तो। फाइनली फ्रेंड्स वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतज़ार। सानू यहीं पे है, वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रही है कैसे कैसे करके बनाना, मम्मा ये डालो मम्मा वो डालो करके बनाने के लिए बोल रही है। तो फ्रेंड्स आप फालतू का बकवास नहीं करते हैं, अभी पालक पोस्तो बनाने वाली थी वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स इधर कढ़ाई भी गर्म होने दे दिए हैं और इसमें तेल डालेंगे, एक्चुअली कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो पोस्तो में ज़्यादा तेल नहीं डलाता है इसलिए थोड़ा सा, देखिए तेल गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें एक अच्छी ये है बड़ी, इसको बड़ी बोलते बड़ी, तो ये मैंने बनाया है और इसको मैं डालूँगी तेल में और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए कैसा लग रहा है, देखिए एक्चुअली लास्ट ईयर बनाए थे, अभी तक है थोड़ा बचा हुआ तो सोच रहा है जिसमें यूज़ किया जाए, बहुत अच्छी खुशबू आती है ऊपर से अपने हाथ से बनाया हुआ तो बोलना ही नहीं। बड़ी सॉरी गड़ी बोल रहे हैं, बड़ी मेरा फ्राई हो चुका है, प्याज में डाला, प्याज में ही नमक डाल दे रही हूँ, इसमें और कोई मसाले नहीं डालते हैं। फ्रेंड्स प्याज भी देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, ये तो पूरा लाल लाल नहीं करती हूँ, इसी तरह फ्राई करते हैं। इसमें आलू सब डाल देते हैं जो मैंने पहले बॉईल किया हुआ है, तो पहले बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए आलू भी मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है और इसमें डाल दूँगी मैं कटे हुए पालक। और अभी एक कढ़ाई लग रहा है लेकिन ये गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, फिर सब इसको ढक देते हैं थोड़ा सा पालक सॉफ्ट होने से तक, ढक दिए हैं थोड़ा देर छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ पालक को मेल्ट होना वो दो मिनट में हो जाता है। जब तक पालक मेल्ट होता है तब तक वाटर मिल आधा बचा हुआ है, इसको सोच रहे काट के रख लेते क्योंकि फ्रिज में बहुत ठंडा है, तो थोड़ा देर छोड़ दूंगी तो खाने के बाद खाएंगे तब तक नॉर्मल हो जाएगा क्या है। ये वाटर मिलन इसको बहुत पसंद है, एक्चुअली इसको सारे फ्रूट्स पसंद है। लास्ट आधा जो काटे थे ना उसका आई थिंक 75% सानू खाए थे ना सानू, तो उसको काट लेते हैं, हाँ काट लेते अभी बहुत ठंडा है, हाँ काट के थोड़ा देर छोड़ेंगे उसके बाद। ओके तो फ्रेंड्स इधर मैंने वाटर मिलन काट लिया है और इधर पोस्तों को भी चेक कर लेते हैं, इस पालक गल गया होगा क्योंकि ज़्यादा गल गया तो फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इधर फ्रेंड्स मैंने पोस्तों ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है, इसमें कुछ नहीं चिल्ली डाले हैं और पोस्तों है और कलर के लिए थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाले हैं और कुछ नहीं, यही है खासियत पोस्तों का, ज़्यादा मसाला नहीं लगता है। सब चला देते हैं, सभी इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं तो थोड़ा पानी डाल के इसको सेक 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 करके डाल देंगे, इसको डाल देंगे बस, थोड़ा फ्लेम को करते हैं हाई इससे थोड़ा पानी सूख जाए। फ्रेंड्स भात के साथ खाने में तो इसका अलग ही लेवल का टेस्ट है, अब बंद कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए पालक आलू का पोस्तो कितना मस्त लग रहा है, इसकी खुशबू तो बड़ी डालने से इसका खुशबू कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, देख रहे सानू को क्या करे सानू। इधर मेरा और एक सब्जी बचा हुआ है फ्रेंड्स जिसको मैं बनाने वाली हूँ, वो है मेरा नीम बैंगन आलू के साथ जो कि मेरा फेवरेट है। बोले ना ऐसे सारे वेजिटेबल्स मेरे फेवरेट होते हैं, मुझे सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब चलिए बनाते हैं नीम बैंगन
इसको भी तेल गर्म होने दे दिए हैं। फ्रेंड्स इधर मेरा नीमा आलू और बैंगन का भी सब्जी रेडी हो गया है। अभी ठीक इधर बनाए थे स्प्रिंग ऑनियन और स्पाउट जो था वो सब मिक्स करके इसको मसाला डाल के थोड़ा सा सब्जी बना दिए हैं। इधर सैलेड है, इधर वही मेन कोर्स आज का पालक पोस्त और इधर दाल। फ्रेंड्स आज का यही है सब मेन्यू लंच वाला। इसको अब कढ़ाई में थोड़ा देर छोड़ देंगे, खाली अभी राइस में सीटी लगाना बाकी है तो 5 मिनट में हो जाएगा। देख रहे फ्रेंड्स फेस में शायद पता चल रहा हो पसीना पसीना हो गया है। अभी तो गर्मी का क्या बोले, इतना ज़्यादा पड़ रहा है गर्मी की किचन में, तो सोचिए थोड़ा देर खाना बनाने में यह हालत हो रहा, पता नहीं आगे क्या होगा। पहले के अकॉर्डिंग अभी तो इतना सारा सुविधा है, पहले चूल्हा में लकड़ी के जाला में पता नहीं कैसे बनाते थे, बट अभी गैस है फिर भी प्रॉब्लम होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो नहीं बोला जाता है जितना सुख है उतना ही लोगों को कष्ट होता है। तो खैर आज का जो मैंने रेसिपी बनाया फ्रेंड्स, पालक आलू पोस्तू विथ बड़ी बड़ी वाला डालने से जो उसका खुशबू है उसका अलग ही टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ट्राई किया जाए, मतलब शेयर किया जाए। और एक चीज़ इसका क्या है ना, जैसे घी राइस और पोस्तू और लेमन थोड़ा सा, क्या बात है आज ऐसे ही खाने वाली हूँ मैं। तो थोड़ा सा लेमन लेंगे, घी डालेंगे, वो भी घर का बना हुआ घी, सब चीज़ एकदम मस्त लगता है खाने में। एक्चुअली गर्मी के दिन में अभी क्या होता है ना, नॉनवेज मतलब थोड़ा कम करके इसी तरह का खाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वेज में तो थोड़ा साग वाग, अभी गर्मी में एटलीस्ट साग खाना भी चाहिए जो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं इसी तरह का अभी नॉर्मल सात्विक खाना बनाती हूँ और खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। हाँ वीकेंड में नॉनवेज तो थोड़ा बहुत चाहिए, नहीं तो बच्चे लोग मेरा खाना ही बंद कर, आयुष स्पेशली खाना छोड़ देता है, तो उस टाइम पे थोड़ा नॉनवेज ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी किचन से निकलते हैं, राइस का वेट कर रहे, सीटी लगने का बंद करेंगे और यहाँ से भागेंगे, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। फाइनल फ्रेंड्स सिटी लग भी गई है, भात का भात भी हो गई। इधर देख रहे प्याज का छिलका छिल के इधर फेंकी, उस टाइम छिल रही थी तो मैंने मना किया नहीं छिल फेंक करना, तो इधर आके कब मतलब मैं खाना बना रही थी उसी बीच में किए सब। कौन किया सानू ये कुटुल कुटुल, कौन किया छानू, क्यों की उठाइए चलिए और डस्टबिन में डालिए, वो नहीं करेगी गंदा करने में आगे है। तो फ्रेंड्स खाना वाना बना कर अभी आ गए हैं बेड पे इधर बैठने के लिए, और इधर फैन ऑन किए हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। इधर मेरी बिच्ची पीली पिचकी पुचकी है इधर, ना ऐसे नहीं करते, ये बहुत बदमाशी करती है फ्रेंड्स, इसको बोलिए तो बदमाशी नहीं करे, मम्मा को परेशान नहीं करे, मम्मा के लिए रहती है घर का सारा काम करती है, बच्चे लोग को संभालती है, मम्मा परेशान हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन ये है कि समझती नहीं। लेकिन अभी यही लोग का दिन है, क्या कर सकते हैं, जब बड़ी हो जाएगी तब समझूंगी, अब परेशान नहीं करूंगी। अच्छा ठीक ठीक ओके। तो फ्रेंड्स ब्लॉग आज यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा खुश रहे, बी पॉजिटिव, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड नाइट। और कुछ बाकी है ना, बोल दीजिए ना, नहीं बोल दीजिए ना, ना। तो इसका बकबक तो खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन ब्लॉग को खत्म करना पड़ेगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 बाय।